कुर्ला कुरेश नगर में पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। यह कार्यक्रम पंचतन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से रखा गया था, जिसमें स्थानीय और कई लोगों ने शामिल होकर दुख का इजहार किया। RCF के कई पुलिस कर्मियों ने भी शामिल होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मौन व्रत रखा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे देश में पुलवामा में जितने भी नौजवान, जितने भी सेना के जवान शहीद हुए, हम उसकी बहुत बहुत निंदा करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमको कभी हारना नहीं सिखाया है। और ये आतंकवादी जो भी संगठन है उसको हम ये चेतावनी देते हैं कि हम लोग कभी हारे नहीं है और कभी हारेंगे नहीं, इसका बदला हम लोग लेकर ही रहेंगे। ये हमारी पंचतन कमेटी है कुरेश नगर में, हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर सरकार से नहीं होता है तो सरकार, ये सरकार छोड़ दे और हम लोगों पर छोड़ दे, हम लोग इसका बदला लेंगे। शुक्रिया। पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें जवान शहीद हुए, जवानों को सरकार की तरफ से, उनके घर वालों को, बच्चों को स्कूल की फीस माफ़ होना चाहिए और जो उनके घर के जो मेंबर है उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद।